गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास के जैसे ही बीएड फर्स्ट ईयर और डीएलएड फर्स्ट ईयर दोनों को कंबाइंड देखेंगे, जिसमें बीएड का पेपर है ईपीसी 3 और डीएलएड का पेपर है F12 जो कि ICT के ऊपर आधारित है। इसके अंदर हम लोग यूनिट फर्स्ट को देख रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे बेनिफिट है एजुकेशन के फील्ड के लिए ICT, उस चीज पे हम लोग डिस्कस किए थे। और आज क्लास में हम लोग देखेंगे कि ICT की उपयोगिता और महत्व क्या है, ICT की उपयोगिता और महत्व क्या है। उपयोगिता और महत्व हम लोग इसे चार भागों में बांट के देखेंगे जो इस प्रकार है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि ICT की उपयोगिता एवं महत्व क्या है, ICT की उपयोगिता एवं महत्व क्या है और ICT को कौन कौन किस प्रकार से उपयोगी बना सकता है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इसको हम लोग चार भागों में डिवाइड कर लेंगे कि कौन कौन वे लोग हैं जो ICT का उपयोग अच्छे तरीके से करके पूरे सिस्टम को यूजफुल बना सकते हैं। तो उसमें पहला जो है वह है कि ICT कैसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, यूजफुल टू द स्टूडेंट्स, या हम कह सकते हैं यूजफुल टू द ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी कैसे है इसको देखेंगे। सेकेंड है शिक्षकों के लिए उपयोगी, यूजफुल टू द टीचर्स। उसके बाद है मार्गदर्शकों के लिए उपयोगी, यूजफुल टू द काउंसलर्स, अर्थात जो लोग मार्गदर्शक का काम करते हैं, बच्चों को पथ प्रदर्शक का काम करते हैं, बच्चों को वैसा मार्गदर्शन देते हैं ताकि बच्चे अपने भावी जीवन को और उज्जवल कर सके, तो उनके लिए कैसे ये ICT जो है वो यूजफुल है। उसके बाद है लास्ट शैक्षिक नियोजकों एवं प्रशासकों के लिए उपयोगी, अर्थात यूजफुल टू द एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, अर्थात जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और प्लान करते हैं कि हाउ टू एजुकेट, इस टाइप का जो विचारधारा रखते हैं कि बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए, वो प्लान करते हैं कि प्लान बनाते हैं कि बच्चों के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे बच्चे अपने भावी जीवन को और उज्जवल कर पाए। तो वैसे लोग जो प्लानर का काम करते हैं और जो प्रशासक का काम करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, जो प्रशासनिक कार्य से जुड़े हुए हैं शिक्षा के विभाग में शिक्षित लोगों के बीच में, तो उन लोगों के लिए ICT कैसे उपयोगी है हम इसको बारी बारी बिंदुवार समझेंगे। इसमें पहला हम देखेंगे कि विद्यार्थियों के लिए उपयोगी कैसे है। तो अब हम लोग जो पहला उपयोग देखेंगे इसके लिए विद्यार्थियों के लिए कैसे ICT उपयोगी है। तो विद्यार्थियों के लिए हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ICT उपयोगी है, तो यह बात 100% सत्य है कि आज के समय में ICT एक ऐसे भूमिका में है जो विद्यार्थियों को हर एक स्किल के साथ उनको डेवलप करने का काम कर रहा है, विद्यार्थियों को और भी पॉलिश करके उनमें चार चांद लगाने का काम कर रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए ICT कैसे उपयोगी हो सकता है, तो हम अब पॉइंट वाइज देखेंगे, जिसमें पहला है कलेक्शन ऑफ डाटा, अर्थात सूचनाओं का संकलन। इसको हम सूचनाओं का संकलन कह सकते हैं कि ICT के माध्यम से अगर हम स्टूडेंट हैं तो ICT के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का सूचना एकत्रित कर सकते हैं, सूचनाओं का संकलन कर सकते हैं। मैटर ये नहीं करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस टाइप का है, हम जिस टाइप का भी इंफॉर्मेशन चाहेंगे आज के डेट में पॉसिबल है कि हम लोग उसे एकत्रित कर सकते हैं। तो पहला जो काम है और पहला जो उपयोग विद्यार्थियों के लिए कि एक विद्यार्थी किसी भी प्रकार का सूचना एकत्रित कर सकता है ICT के माध्यम से। ICT से तात्पर्य है
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से, कंप्यूटर्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वेब पोर्टल के माध्यम से, और दूसरा है रिसोर्स ऑफ डाटा अर्थात सूचनाओं का स्रोत। जब हम किसी भी सूचना को अपने लिए एकत्रित कर सकते हैं तो उसी आईसीटी के माध्यम से उस सूचना का स्रोत क्या है, वह सूचना कहां से आया है, उस सूचना का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह कौन सा बिंदु है, हम लोग उसे भी जान सकते हैं। तो एक विद्यार्थी के लिए आईसीटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए भी कि उनके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अर्थात समस्या समाधान कौशल कह सकते हैं हम इसे, आईसीटी के माध्यम से एक विद्यार्थी अपने अंदर समस्या समाधान के कौशल को और भी उन्नत बना सकता है, और भी उसको डेवलप कर सकता है। विद्यार्थी अपने आप में अपने स्किल को डेवलप करके प्रॉब्लम सॉल्व को पूरा कर पाता है, और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो वो आईसीटी का यूज करके उसको सॉल्व कर लेगा। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही उपयोगी है, और विद्यार्थियों के भावी भविष्य के लिए, विद्यार्थियों के भावी जिज्ञासा के लिए आईसीटी का यूज बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग स्किल, अर्थात डिसीजन मेकिंग का क्या होता है, निर्णय क्षमता कौशल। आईसीटी के माध्यम से एक विद्यार्थी अपने डिसीजन मेकिंग स्किल को, अपने निर्णय लेने की शक्ति को, अपने निर्णय लेने की क्षमता को और भी डेवलप कर सकता है, क्योंकि उसे किसी भी जानकारी के लिए आईसीटी के माध्यम से वो हर चीज मिल जाएगा जो वह चाहता है, और जब उसे किसी भी बात की जानकारी हो जाएगी तो वह किसी भी तरीके का निर्णय लेने में सक्षम हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट है सूचनाओं के एकत्रीकरण के पश्चात, जब हम लोग सूचनाओं का एकत्रीकरण कर लेंगे, जब हम लोग कलेक्शन ऑफ डाटा कर लेंगे, जो भी कलेक्शन करना है, जिस प्रकार का भी डाटा कलेक्शन करना है, जब हम लोग उस सूचना को एकत्रित कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आवश्यकता अनुसार उचित स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। जब हम लोग किसी भी जैसे हमें एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि हमें सूचना प्राप्त करना किस चीज का, कि इंडियन इकोनॉमी 2014 में, 2014 में इंडियन इकोनॉमी क्या था और आज इंडियन इकोनॉमी, इसको रेट भी कह सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी रेट 2020 में क्या है। तो आज का तो हमें पता है, चूंकि आज में हम लोग जी रहे हैं, और जो पिछले 6 साल पहले 2014 में, 2014 में इंडियन इकोनॉमिक रेट क्या था, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा 2014 का कंप्यूटर से माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से या मोबाइल पे ही हम लोग कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे कि 2014 के समय में इंडियन इकोनॉमिक रेट क्या था, और आज जो हम लोग जी रहे हैं, आज तो देख ही रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमिक रेट क्या है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए आईसीटी बहुत ही उपयोगी है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। अब जो दूसरा पॉइंट है वह है शिक्षकों के लिए उपयोगी, यूजफुल टू द टीचर्स, कि आईसीटी शिक्षकों के लिए कैसे उपयोगी है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जो शिक्षकों के लिए उपयोग है वह यह है कि आईसीटी के माध्यम से, आईसीटी का यूज करके एक टीचर अपने क्लास को बहुत ही ज्यादा प्रभावपूर्ण बना सकता है। प्रभावपूर्ण कैसे बनाएगा, वो प्रोजेक्टर का यूज कर सकता है, वो क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम का यूज कर सकता है, और अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए वह हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज कर सकता है जिससे कि क्लास इंटरेस्टिंग और प्रभावशाली बने। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो शिक्षकों के लिए आईसीटी इसलिए भी उपयोगी साबित होता है कि इसका सीधा एग्जांपल खुद अभी हम हैं।
चूंकि हम आईसीटी के माध्यम से ही इस ई लर्निंग क्लास को प्रॉपर चैनल पे ला पा रहे हैं। ई लर्निंग क्लास को लाने के लिए हम आईसीटी का यूज करके वीडियो पहले बना रहे हैं, उसके बाद उस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब के चैनल पे चलाते हैं, कॉलेज ऑफ एजुकेशन के चैनल पे हम उसको अपलोड कर पा रहे हैं, तब जाके आप लोगों तक वह वीडियो पहुंच पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आईसीटी का यूज करके ही हम अपने टीचिंग स्किल को, हम अपने टीचिंग नॉलेज को और जो भी सिलेबस से जुड़े हुए जानकारी है उसको आप तक पहुंचा पा रहे हैं। उसके बाद है सूचनाओं, आंकड़ों और जानकारी की आवश्यकता। चूंकि जिस प्रकार एक स्टूडेंट को किसी भी सूचना की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार एक टीचर को भी कभी कभी सूचनाओं की, आंकड़ों की और कुछ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की आवश्यकता होती है, ताकि वह अपने टीचिंग स्किल को और भी डेवलप कर सके, टीचिंग जो भी उसका टीचिंग फॉर्मेट है उसको और भी मजबूत कर सके। उसके बाद है शिक्षण दायित्व को पूरा करने में। चूंकि टीचर का यह दायित्व है कि वह एक विद्यार्थी को वो हर चीज उपलब्ध कराए जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, तो कहीं ना कहीं शिक्षण दायित्व में आईसीटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद शिक्षण मशीन, कंप्यूटर निर्देशित स्व अधिगम। स्व अधिगम से तात्पर्य है कि खुद से अधिगम करना, अर्थात टीचर स्टूडेंट को आईसीटी का यूज करने के लिए प्रमोट कर सकते हैं और यह सिखा सकते हैं कि आप लोग खुद से भी कुछ समय आईसीटी के माध्यम से आप लोग खुद से भी पढ़ाई कर सकते हैं और ज्ञान हासिल कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है विद्यार्थियों को आईसीटी से जोड़कर अपने कार्य को हल्का कर सकते हैं। चूंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपातकाल स्थिति में, जैसे आज हो रहा है इस कोरोना महामारी के समय में, चूंकि किसी भी यूनिवर्सिटी का और किसी भी कॉलेज का जो सिलेबस है वह तो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो विद्यार्थियों को भी कॉलेज नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना और बच्चों और टीचर्स को भी नहीं जाना है। तो वहां पे आईसीटी के माध्यम से ही पूरे दुनिया में अभी जहां भी टीचिंग का काम चल रहा है, आईसीटी के माध्यम से ही वहां ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है और ई लर्निंग का काम पूरा किया जा रहा है। तो विद्यार्थियों को आईसीटी से जोड़कर टीचर अपने काम को और भी हल्का कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आईसीटी का यूज विद्यार्थियों को सिखाकर टीचर अपने जो, अगर टीचर के पास 100% काम है तो आईसीटी का यूज बच्चों को सिखाकर टीचर अपने काम को इसमें डिवाइड कर सकता है, या तो 50-50 कर देगा, आधा टीचर्स पढ़ाएंगे आधा आईसीटी का यूज करके बच्चे पढ़ लेंगे, या तो टीचर क्या करेंगे 80-20 कर देंगे, 80% टीचर पढ़ाएंगे और 20% बच्चों को खुद से आईसीटी का यूज करके पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। अब जो हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे वह है मार्गदर्शकों के लिए उपयोगी, अर्थात यूजफुल टू द काउंसिलर्स। तो मार्गदर्शक कौन होते हैं? मार्गदर्शक वे होते हैं जो बच्चों को उचित दिशा निर्देश प्रदान करे, उचित पथ प्रदर्शक हो, अर्थात बच्चे अपना जो भी समस्या है वह उस मार्गदर्शक से परामर्श ले सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें कि मार्गदर्शक एक परामर्शदाता होता है जो उचित परामर्श, उचित एडवाइस देता है। तो मार्गदर्शक के लिए आईसीटी कैसे उपयोगी है इसको देखेंगे हम लोग। तो जिसमें सबसे पहला है कि मार्गदर्शकों को आईसीटी इसलिए उपयोगी है ताकि वे उचित परामर्श बच्चों को दे सके, उचित गाइडलाइन दे सके और बच्चों की जो भी समस्या है, जो भी समस्या धारण किए हुए बच्चे हैं उनकी समस्याओं की पहचान करें। कैसे? आईसीटी के माध्यम से, ये ऑनलाइन भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि परामर्श देने के लिए फेस टू फेस होना जरूरी है। आज के समय में चूंकि आधुनिक युग है और टेक्नोलॉजी पर आधारित युग है, तो बच्चे परामर्श लेने के लिए, अगर हम कह सकते हैं कि हम बेतिया में रहने वाले हैं और परामर्शदाता वर्ल्ड के किसी भी कोने में है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में है, तो हम लोग
आईसीटी का यूज करके उस परामर्शदाता से सीधे संपर्क कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ताकि फेस टू फेस हम लोग स्क्रीन पे देख सकें और हम अपना बात रखेंगे और परामर्शदाता हमें अपना परामर्श देंगे। चूंकि वह परामर्श देने में ज्ञाता है, वह विद्वान है उस क्षेत्र का, तो वह हमें उचित से उचित परामर्श दे सकता है। उसके बाद है कि व्यक्तिगत, व्यवसायिक तथा शैक्षिक परामर्श के लिए व्यक्तिगत परामर्श भी हम लोग ले सकते हैं, व्यवसायिक परामर्श भी ले सकते हैं, अर्थात बिजनेस से रिलेटेड परामर्श भी ले सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी परामर्श ले सकते हैं। तो जो भी व्यक्तिगत है, व्यवसायिक है, शैक्षिक है, तो व्यक्तिगत विशेषकर वे लोग देते हैं व्यक्तिगत परामर्श जो साइकोलॉजिकल विद्वान हो, जो साइकोलॉजी जानते हो। व्यवसायिक के लिए कौन देगा? जो बिजनेस को अच्छे तरीके से जानते हैं कि बिजनेस को कैसे रन करना है, बिजनेस में अगर अभी घाटा चल रहा है तो उसको कैसे उस घाटे से उबारा जाए। वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में जो है, तो एजुकेशन के फील्ड में जो भी विद्वान है वही एजुकेशन का परामर्श दे सकते हैं। और ये सारा का सारा जो भी परामर्श का आदान प्रदान होगा, जो भी संचार का साधन होगा परामर्श का, वह किसके माध्यम से होगा? आईसीटी के माध्यम से होगा। तो सूचनाओं, आंकड़ों और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की आवश्यकता किसे पड़ती है? मार्गदर्शकों को भी पड़ती है, ताकि वह अच्छा से अच्छा परामर्श दे सके। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उसे किस चीज की आवश्यकता होगी? सूचनाओं और आंकड़ों की आवश्यकता होगी। और जो जानकारी उसके पास, स्वयं के पास जो जानकारी है, उस जानकारी को मर्ज करके वह सामने वाले को अच्छा से अच्छा परामर्श दे सकता है। तो कहीं ना कहीं आईसीटी मार्गदर्शकों के लिए भी उपयोगी है और मार्गदर्शकों को और भी मजबूत दिशा निर्देश के लिए आईसीटी अपने प्रयास को जारी रखे हुए हैं। अब हम जो लास्ट टॉपिक है उसको देखेंगे कि चौथा टॉपिक कौन है। जो लास्ट टॉपिक हम लोगों का वह है शैक्षिक नियोजकों एवं प्रशासकों के लिए आईसीटी कैसे यूजफुल है। इसके लिए एजुकेशनल प्लानर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर्स वे होते हैं जो किसी संस्था में प्रशासन का कार्य निभाते हैं, और एजुकेशनल प्लानर्स वे होते हैं जो किसी संस्था में ये प्लानिंग करेंगे कि शिक्षा संबंधी जो भी गतिविधि है उस संस्था में वो कब, कैसे और किस प्रकार होगा। तो वहां पे पहला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे, शिक्षा संबंधी गतिविधियों को संचालित करने में आईसीटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि शिक्षा संबंधी गतिविधि में ही क्या क्या आता है? एग्जाम आता है, एडमिशन का काम आता है। क्योंकि एडमिशन के लिए हम लोग आईसीटी का यूज करते हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी कि किसका परसेंटेज, किस कैंडिडेट का परसेंटेज या किस कैंडिडेट का कौन सा चीज ज्यादा बढ़िया है उसको हम लोग चुन के लेते हैं। तो वो तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हमें आईसीटी का जरूरत होता है, यानी कि कंप्यूटर्स या नेट वगैरह का जरूरत पड़ता है। और कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो स्पेशली शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षा संबंधी गतिविधियों को संचालित करने में, अर्थात किसी भी संस्था में शिक्षा संबंधी जितना प्रकार का भी गतिविधि होगा, उन सारी गतिविधियों को संचालित करने में आईसीटी एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में अपना काम करती है। या हम लोग कह सकते हैं कि योजनाबद्ध कार्य बिना उचित सूचना, जानकारी और आंकड़ों के संभव नहीं है। हम लोग कोई भी प्लानिंग करने काम का, किसी भी प्रकार के काम का प्लानिंग कर ले कि हमें इस काम को करना है, तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? हमें सूचना की आवश्यकता होगी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की आवश्यकता होगी और कुछ आंकड़ों की आवश्यकता होगी। तो जब तक हम सूचना, जानकारी और आंकड़ों को अपने पास नहीं ला पाएंगे, तब तक हम किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से नहीं कर पाएंगे। और इस उचित सूचना, उचित जानकारी और उचित आंकड़े को अपने पास लाने के लिए, यानी कि उसका संकलन करने के लिए, एकत्रित करने के लिए हमें किस चीज का आवश्यकता होता है? हमें आईसीटी का जरूरत पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि छात्रों को किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश देना, छात्रों को किसी भी पाठ्यक्रम में अर्थात किसी भी क्लासेस में प्रवेश देना एडमिशन के लिए, यहां बात एडमिशन की हो रही है, और परीक्षाएं यानी कि एग्जामिनेशन, जिस प्रकार की भी कार्य हो उसमें आईसीटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो एडमिशन के समय में हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर में जो भी
बच्चों की जानकारी फीड करेंगे उसके लिए, और एग्जामिनेशन के समय भी हम लोग, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्रवेश लेने के समय या किसी भी एग्जामिनेशन को कराने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि शैक्षिक नियोजक के लिए और प्रशासक के लिए, जो भी लोग एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग एजुकेशनल प्लानिंग करते हैं, जो भी लोग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं आईसीटी बहुत ही उपयोगी है, ताकि वे प्रभावपूर्ण, हम कह सकते हैं प्रभावपूर्ण तरीके से अपने कार्यों को और भी उचित और भी मजबूत बना सके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि आईसीटी की उपयोगिता अर्थात यूटिलिटी और महत्व इंपॉर्टेंस, कि आईसीटी की यूटिलिटी क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चारों पॉइंट को बिंदुवार समझा, और मैं ऐसा करता हूं कि सारे लोगों को समझ में आएगा कि आईसीटी की उपयोगिता और महत्व की जो बात की गई है वह किस प्रकार से उपयोगी है और किस प्रकार से महत्व है। थैंक यू।